कोई भी कार मिल जाती सेम डे में आप उसी को ले लेते सर तो लेने गए थे लेकिन टाटा वाले दिए ही नहीं टाटा भी गए महिंद्रा भी भी हाँ। भी गए 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 मारुति नमस्कार दोस्तों मेरा नाम राजेंद्र कुमार है स्वागत करते हैं आप सभी का एक और नए वीडियो में जहां पर आज महिंद्रा एक्स थ्री डबल हो जिसका आज हम लोग एक ओनरशिप एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं हमारे साथ में जुड़े हैं दिलीप जी सबसे पहले तो आपका हमारे वीडियो में स्वागत है सेगमेंट में जो गाड़ियाँ आती हैं टाटा की नेक्सन आती है और ये महिंद्रा की एक्स थ्री डबलो तो है ही है इसके बाद मारुति की बेरेजा आती है और मारुति की बेरेजा तो अपने सेगमेंट में खासी पॉपुलर है आपसे जब बातें हो रही थी ऑफ कैमरा जब कैमरा ऑन नहीं था तो आप काफी इंटरेस्टिंग चीज बता रहे थे कि हम घर से निकले थे तो आज जैसे भी होगा कार लेकर ही घर लौटेंगे कोई भी कार मिल जाती सेम डे में आप उसी को ले लेते हमारे पास पुराना गाड़ी था उसको बेच के हम चले की गाड़ी लेना है अच्छा कौन सी गाड़ी थी पहले वो बात पहले का एक्सेंट एक्सीडेंट थीडाई की एक्सेंट थी है ना

एक महीना डेढ़ महीना तो इसका भी अभी आ रहा है ठीक है ना तो उस समय कितने की आपको पड़ गई थी उस गाड़ी मेरा दस लाख कुछ पड़ा था लाख कुछ पड़ गया था है डब्लू फोर वेरियंट है इसमें कुछ एसेसरीज आपने बाहर से लगवाया है, भाईया है। ये डंटा सर जी बोल रहे हैं इसको रूपरेल बोला जाता है हमारे

ऋषभ कुमार इनके लड़के हैं और इनको भी कार का बहुत ज्यादा शौक है इनसे भी थोड़ा सा फीडबैक लेते हैं आगे की सीट में बैठते हो कि पीछे बैठते हो पीछे पीछे हाँ। कैसा मतलब तो पीछे का अनुभव है, इस अच्छा। है इसकी उम्र जो है तेरह चौदह साल से ज्यादा नहीं होगी और इसकी हाइट अभी इतनी है अभी और इतना ये हो सकता है टाटा नेक्सोन आप देखने गए तो उसका बूट स्पेस इससे ज्यादा है इसमें थोड़ा सा बूट स्पेस में कॉम्प्रोमाइज होता है तो कहीं फैमिली के साथ में कहीं बाहर जा रहे हो तो कभी ऐसा दिक्कत हुआ है कि डिक्की में आपका पूरा सामान लगेज नहीं आ पाया हो आ जाता है मतलब जितना जरूरत है हाँ सामान ले जाने, जाने, जाने का सारा एडजस्ट हो, हो, हो जाता है और थोड़ा बहुत अगर बच भी जाता है तो, तो बीच में स्पेस बहुत ज्यादा है सीट में रख लिया जाए या सामने रख लिया हाँ। जाए कि नहीं ऐसा तो लोग हमेशा इंडिया में इधर न उधर करके जो है एडजस्टमेंट करता ही है हाँ पर अगर तुलना किया जाए तो नेक्सोन में थोड़ा सा ज्यादा था अब क्या है सर तो लेने गए थे लेकिन टाटा वाले दिए ही नहीं टाटा भी गए महिंद्रा भी गए मारुति भी गए इंडिया की सबसे सेफेस्ट कॉम्पैक्ट एस कार है आपको एहसास लगता है कि आप मार्केट में चलते हैं तो आपको गर्व महसूस होता है कि सबसे सेफ कार में हम सफ़र कर रहे हैं एकदम। यही उम्मीद करते हैं कि हमारे देश की कंपनियां और अच्छा काम करें और हमारे लिए और अच्छा प्रोडक्ट दे ताकि हम लोगों का सीना जो है ना गर्व से और ज़्यादा चौड़ा हो सके जैसे कि दिलीप जी अभी बता रहे हैं कि इनको एहसास होता है कि हम मार्केट में निकलते हैं तो ऐसा लगता है कि हम एक सेफ कार में, कार में चल रहे हैं चलती का नाम गाड़ी कहावत सुने होंगे ना।, ना कि जो चीज़ दिखती है वो बिकती है और जब रिसेल करने की बात आती है तो उस समय रिसेल वैल्यू पर भी इफेक्ट पड़ता है तो ब्रेजा का जो रीसेल है वो आपको ज़्यादा मिलता बजाय इसके तो आप कभी रिसेल को लेकर के दिमाग में लेके चले थे कि कभी बेचेंगे तो हमको ज्यादा प्राइस दे केजेंट तो <laughs> नहीं नहीं, में गाड़ी अच्छी मिल जाए ही है तो आप पूछते हैं मतलब चलाने का एक्सपीरियंस कैसा हो रहा है पिकअप वाइज स्टेबिलिटी वाइज भी अच्छा है हुई का एक्सीडेंट भी रखे है तो उसका ड्राइविंग और इसके ड्राइविंग में अंतर बहुत अंतर है वो अच्छी लगती थी कि ये अच्छी लगती है ये अच्छी लगती तो ये चीज है और ये डब्लू फोर वेरियंट में आप देख सकते हैं कि इसके जो रिम है कुछ इस तरह से मिलते हैं जो कि स्टील रिम है इसमें कैप आपको मिल जाता है दो सौ पांच इंच के टायर आपको मिल जाते हैं एक चीज है कि इसमें स्टेरिंग में माउंटेड कंट्रोल्स नहीं है अगर वो कंपनी दे देती ना तो सोने पे सुहागा हो जाता ये कमी आपको लगता है कि ये होना चाहिए था क्योंकि आज के डेट में यह स्टैंडर्ड फीचर है हर कार में ये होना ही चाहिए कन्वीनियंट हो जाता है ना यूज करने के लिए जिनको ज़रूरत है वो महीना डेढ़ महीना इंतज़ार करने वाले नहीं है तो सबसे आसान तरीका है कि ब्रांड जो है वेटिंग पीरियड को कम करें और कस्टमर्स के लिए जल्दी से जल्दी गाड़ियां अवेलेबल करावे और चलिए आपको दिखा देते हैं सबसे पहले इस कार का जो इंटीरियर है वो किस तरह से आपको मिल जाता है ये देख सकते हैं कि आपको इस डब्ल्यू फोर वेरियंट पर चारों पावर विंडो के स्विच आपको यहाँ पर मिल जाते हैं ओ का कंट्रोल आपको यहाँ से मिल जाता है और ये ग्रे कलर और ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन है डोर्स में साथ ही साथ यही कॉम्बिनेशन आपको पूरा इंटीरियर में भी मिलता है ये देख सकते हैं लोअर पार्ट जो डैशबोर्ड का वो ग्रे कलर में है ऊपर जो है ब्लैक कलर में है इस वेरिएंट में एक चीज़ जो है मुझे कमी लगी है कि इसमें स्टीयरिंग में माउंटेड कंट्रोल्स नहीं है जो कि आज की डेट में होना चाहिए था और यहाँ पर साढ़े से पाँच इंच का टच इंपोटेनमेंट सिस्टम सोनी का लगा हुआ है और ये जो इन्फोटेनमेंट सिस्टम है ये शोरूम में ही कंपनी ने लगा के दिया है लेकिन ये आफ्टर मार्केट है इस वेरिएंट में आपको नहीं मिलता है और यहाँ पर मैनुअल एसी है और ग्लोब बॉक्स एक बार देख लेते हैं ये भी ठीक ठाक साइज का है उतना बड़ा तो आप नहीं कर सकते हैं और थोड़ा सा इसकी जो डैशबोर्ड है ना इसका लेआउट जो है ना ओल्ड स्कूल आपको लग सकता है थोड़ा सा रिफ्रेशिंग नहीं है जो कि आजकल मॉडर्न गाड़ियों में आता है पर जो क्वालिटी है और जो फिट एंड फिनिश है वो आपको अच्छी मिल जाती है साथ ही साथ ये जो आई है मैनुअली एडजस्टेबल आपको मिल जाता है और यहाँ पर थाई सपोर्ट आप देख सकते हैं मेरी हाइट है जो है ना वो फाइव एट है और मेरे हिसाब से काफ़ी सफिशियंट है ऑलमोस्ट मेरी जो थाई है वो इसमें आ जा रही है तो आगे के सीटों का जो कम कम्फर्ट है ना अच्छा है एक बार जो है ना पीछे का रो आपको दिखा देते हैं एक बार मेरी ड्राइविंग के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर लेते हैं ना तो थोड़ा सा मेरे लिए पीछे जाएगी और थोड़ी सी जाएगी हाँ अब मेरे हिसाब से ठीक है अब पीछे एक बार आ जाते हैं ये देखिए पीछे का जो स्पेस है ना इस सेगमेंट में किसी भी कार में आपको नहीं मिलेगा ये देख सकते हैं एक बच्चा लिटरली मैं यहाँ खड़ा कर सकता हूँ और अक्सर गांव में लोग जगह नहीं मिलता है ना तो अपने बच्चों को आगे खड़ा कर लेते हैं तो यहाँ पर मैं खड़ा कर सकता हूँ इतना ज़्यादा स्पेस है आप देख सकते हैं अगर आपकी हाइट जो है ना वो फाइव एलेवन सिक्स फुट के आसपास भी है तो भी आपको नी रूम की कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं आएगी इतना ज़्यादा स्पेस है और इसकी जो थाई सपोर्ट है वो भी काफ़ी अच्छी है थोड़ा सा ये जो करने है सीट का ना साइड में आते आते ज़्यादा हो जाता है जिसके चलते अंडर थाई सपोर्ट कम लग सकती है लेकिन बीच में बहुत अच्छा है और नी रूम जो है काफ़ी सफिशियंट है हेड रूम बहुत अच्छा है मेरा सर जो है यहाँ पर टच नहीं कर रहा है यहाँ पर केबिन लाइट एक दी गई है और पूरा जो इंटीरियर है ना वो ऊपर से रूप जो है वो वाइट है तो थोड़ा सा मेंटेन आपको करना होगा नीचे भी ग्रे वाइट है तो थोड़ा सा साफ़ सफाई पर आपको ध्यान रखना होगा एक बार इसका बूट स्पेस आप लोग को दिखा देते हैं ये देखिए मैं बूट स्पेस की बात कर रहा था थोड़ा सा कम है इस सेगमेंट में बाकी गाड़ियों की तुलना में लेकिन कुछ चीज़ें जो है इस कार में जो आपको मिलती है ना वो बाकी अराइवल जो गाड़ियां हैं उसमें नहीं मिलती हैं जैसे इस कार की जो सेफ्टी है इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है इसकी जो राइड है इसकी जो हैंडलिंग है बहुत ही बढ़िया है और इस कार को लेने के बाद में इसके जो ओनर हैं वो भी काफी संतुष्ट लग रहे हैं काफ़ी खुश मिजाज लग रहे हैं और इनको कोई कमी आज तक लगा है कि नहीं लगा है तो एक बार फाइनली इनसे पूछ लेते हैं कोई ऐसा कमी है जो आप बताना चाहें कि ये कार में ये होना चाहिए नहीं तो, हमारे ख्याल से तो कुछ नहीं हो रहा है कुछ नहीं है संतुष्ट है एकदम संतुष्ट कितना किलोमीटर अभी तक चला चुके हैं इसको अभी तक सात हजार लगभग चला तो आप सर्विस में भी गए होंगे महिंद्रा का तो महिंद्रा का सर्विस कैसा लगता है जैसे टाटा और महिंद्रा दोनों कंपनियां हैं मेनली बदनाम है अपने सर्विस को लेकर के तो आपको किस तरह का वहाँ बढ़िया लगता है सर्विस यहाँ नियरेस्ट सर्विस सेंटर आपका कहाँ पर है देवघर देवघर जो कि अच्छा सर्विस आपको मिल जाता है गाड़ी कहाँ से लिए थे देवघर से कि दुमका से दुमका से तो आपका नियरेस्ट दो टाउन है एक दुमका है और एक देवघर है दोनों जगह सर्विस अवेलेबल है एवलेबल। एक बार जो है ना इसका की आपको दिखा देते हैं महिंद्रा एक्स वी डब्ल्यू फोर वेरियंट में आपको क्या मिलता है तो ये की जो है ना मैनुअल की आपको मिलती है और ये लग रहा होगा कि रिमोट वाली की है लेकिन ये रिमोट वाली है नहीं यहाँ किसी तरह का कोई कंट्रोल आपको जो है ना नहीं दिया जाता है तो एक बार जो है ना इस कार का जो फ्रंट लुक है ये कुछ इस तरह से आपको मिलेगी और यहाँ पर लाइट्स की अगर बात करें तो आपको यहाँ पर हेलोजन बल्ब के साथ में हेलोजन हेडलाइट मिलता है यहाँ पर टर्न इंडिकेटर आपको मिलता है नीचे किसी तरह का कोई फॉग लैम्प आपको नहीं दिया जाता है एक बार आपको साइड से दिखा देते हैं ये जो बॉडी क्लेडिंग है पूरी अक्रॉस दिकार मिलती है और यहाँ पर आपको टर्न इंडिकेटर जो है फेंडर में मिलता है इस वेरिएंट में आपको जो टर्न इंडिकेटर है वो आर में नहीं दिया जाता है महिंद्रा की जो एक्स है माइलेज नहीं देती है और माइलेज नहीं देने के लिए बदनाम है तो इनसे पूछते हैं कि इनको क्या ये माइलेज दे रही है पेट्रोल इंजन के साथ में हम तो माइलेज नापे नहीं है अच्छा हैं, चलते रहते हैं अच्छा माइलेज नाप आपको देखे नहीं सुनते हैं कि तेरह चौदह दे रहा है तेरह चौदह की माइलेज इनको ये दे देती है लोकल में जो हमारा गाँव है यहाँ पर, पर अगर चलते हैं तो और हाईवे में चलेंगे प्यार से चलाएंगे तो चौदह पंद्रह तक की माइलेज ये दे सकती है तेरह चौदह ही देगी ज्यादा हाँ इसके पहले आपके पास में जो हिंडे की एक्सडेंट थी वो भी माइलेज के लिए बदनाम थी वो भी इसी तरह का माइलेज तो देती थी तो उसके में। साथ में भी आपका यही था कि अपना तेल लो और चलो माइलेज वाइलेज पर ध्यान मत दो <laughs> तो ये सिनेरियो है इस तरह की जो गाड़ियाँ लेना पसंद करते हैं खास करके फॉक्स वैगन की गाड़ियाँ महिंद्रा की गाड़ियाँ टाटा की गाड़ियाँ उनको माइलेज वगैरह से ज़्यादा मतलब होता नहीं है माइलेज वही लोग देखते हैं जो मारुति की गाड़ियाँ लेते हैं और मारुति की गाड़ियाँ बिकती भी हैं तो केवल और केवल माइलेज के लिए ही बिकती हैं उनका रिसेल अच्छा हो जाता है माइलेज अच्छी दे देती है जिसके चलते लोग उन गाड़ियों को लेते हैं तो काफ़ी जो है ना वेल्युल इनपुट इन्होंने दिए हैं काफ़ी अच्छे फीडबैक दिए हैं और इनके साथ में इस कार का जो इनका एक्सपीरियंस है काफ़ी अच्छा रहा ओवरऑल कितना दिन हो गया हुआ इसके लिए हुए एक साल हो गया और इन एक सालों में सात से आठ हजार किलोमीटर इन्होंने चलाया थोड़ा सा रन आपका कम है कम है, है कि नहीं उस तरह से कहीं जरूरत होती है तभी कार निकलती है बाद बाकी चीज़ जो है छोटे मोटे कामों के लिए आपके घर में मुझे लगता है जहाँ तक मोटरसाइकिल से काम चल जाता है है कि नहीं जिसके वजह से रनिंग काफी कम है और छः सात हज़ार किलोमीटर चलना है तो आपको तो डेफिनेटली पेट्रोल इंजन ही लेना था गलती से भी आप डीजल इंजन लेते तो और आपका दिक्कत में पड़ जाते है कि ने? नहीं तो यही था वीडियो और इनके जो एक्सपीरियंस है हमने आप लोगों के साथ में शेयर किए हैं आपका भी कोई कार के साथ में एक्सपीरियंस है तो डेफिनेटली आप संपर्क कर सकते हैं हमारा जो कॉन्टेक्ट ईमेल एड्रेस है वो डिस्क्रिप्शन में रहेगा आपके घर तक जाएंगे आपके एक्सपीरियंस को रिकॉर्ड करेंगे और इसी तरह से अपने चैनल पर शेयर करेंगे ताकि जो नए कार बायर हैं उनको हेल्प मिल सके मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में टिल देन गुड बाय टेक केयर जय हिंद वंदे मातरम और सबसे पहले तो सर को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन नई कार के लिए और हमारे चैनल पर आए अपने इनपुट दिए इसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद